बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सॉलिड पोर्शन एंड होने के करीब है और आज का टॉपिक निहायत समझने वाला है। जो मॉडल आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं, आप तवज्जो के साथ इनको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएंगे और आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। मेटल्स बिलउमूम तौर पर तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स शो करती हैं। हमारे सिलेबस में दो हैं जिनकी डिटेल आगे आ रही है। मेटल्स के जो एटम्स हैं या इसके जो कैटाइन्स हैं, इनको आप स्फेरिकल बॉडी एज्यूम कर लें। एक मेटल है, उसमें लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। एक आपके सामने शो कर दिया गया है, दूसरा इसके साथ राइट साइड पे कनेक्ट हो गया, थर्ड वन एंड नाउ फोर्थ वन, और इसके ऊपर फिर इसी तरतीब से मज़ीद एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं, चार मज़ीद टॉप लेवल पे, चार मज़ीद एटम्स आपके सामने आ गए। कुल ये 12 एटम्स हैं। अगर इनको थोड़ा सा शेक किया जाए तो दो बॉल्स या दो एटम्स जो आपस में कनेक्टेड हैं बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे, उनके दरमियान एक डिप्रेस्ड पार्ट है, तो इस डिप्रेशन में ऊपर वाले एटम आके फंस जाते हैं। इनको राइट साइड पे हम यूं समझने की कोशिश करते हैं, चार बॉल्स, और नेक्स्ट बॉल पहली बॉल के एग्जैक्ट ऊपर आने की बजाय दो बॉल्स के दरमियान जो डिप्रेशन है वहां पे एडजस्ट हो गई। ये स्ट्रक्चर को मजबूती देती है। जैसे मिस्त्री ईंटें लगाता है तो उनकी तरतीब बदलता जाता है ताकि वो एक दूसरे के अंदर शिकंजा बना लें। इसके ऊपर थर्ड लेयर बनाते हुए मज़ीद सेकंड लेयर के दरमियान जो डिप्रेस्ड पोर्शन थे उनके दरमियान बॉल्स आ रही। लेफ्ट साइड पे देखेंगे बॉल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट हो गई है और यहाँ बड़ी लार्जर स्पेस है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड अरेंजमेंट। और राइट साइड पे भी स्पेसेस मौजूद हैं मगर ये स्पेसिंग एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड अरेंजमेंट कम है, लिहाजा मजबूती वहीं होगी जहाँ एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो वहाँ कम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी, पैकिंग हाई होगी। तो मेटल्स ये राइट साइड वाली अरेंजमेंट को प्रेफर करती हैं, इस तरीके से जुड़ती हैं। ये जो स्पेसिंग है इसके तीन नाम्स हैं, इनको हम कहते हैं इंटरस्टाइसिस या क्रेविसिस, और इन्हीं का तीसरा नाम है वॉइड्स। ये तीन बॉल्स हैं या तीन मेटेलिक कैटाइन्स हैं या तीन मेटेलिक एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इनके दरमियान एक डिप्रेस्ड पोर्शन मौजूद है। आप इसको इजीली मुलाहजा कर सकते हैं, यह स्पेस है, ये इंटरस्टाइस है। अगर ये टेबल के ऊपर तीन बॉल्स एल्फी के साथ यूं जोड़ दी जाएं तो चौथी बॉल जो इनके ऊपर आएगी वो कहाँ आएगी, आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन तीन बॉल्स के दरमियान एडजस्ट होगी इस तरीके से। इसको गौर से आप देखेंगे इंशाल्लाह ये बात आपको समझ आ जाएगी। दो बॉल्स के दरमियान जो डिप्रेस्ड पोर्शन है वहाँ पे नेक्स्ट
ऊपर वाली बाल एडजस्ट हो रही है। 11 बाल्स हैं, इनको तरतीब के साथ इसी अरेंजमेंट के साथ हमने टेबल पे रख दिया, एक एक लेयर बना दी टेबल पे। इनके बिल्कुल ऊपर हम मजीद बॉल्स रखना चाहते हैं तो वो कहाँ आएंगी? हर 3 बाल्स के दरमियान एक बाल एडजस्ट होगी। तो मैं डिफरेंट कलर से इनको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आप इनको बड़ी बारीक बीनी के साथ मुशाहदा करेंगे। 3 बॉल्स के दरमियान ये बॉल आके एडजस्ट हो गई और ये सेकंड लेयर क्रिएट हो रही है फर्स्ट लेयर के ऊपर। फिर 3 बॉल्स के दरमियान, फिर नीचे से 3 बॉल्स के दरमियान। इसको रिवर्स करके देखते हैं, ये देखें 3 बॉल्स के दरमियान स्पेस है, सेकंड लेयर में बॉल उनके दरमियान आके एडजस्ट हो गई राइट साइड पे। फिर 3 बॉल्स के दरमियान अगर इनके राइट साइड पे कोई और ब्लैक बाल होती तो 2 बॉल्स ये, और इनके साथ कोई तीसरी ब्लैक बॉल होती तो इनके ऊपर ये आती। क्योंकि करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं, हम समझने की खातिर चंद एक को यहाँ पे बना रहे हैं, और फिर ऊपर 3 बॉल्स के दरमियान ये एडजस्ट हो। यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है? ये एरो आपको बता रहा है कि ये स्काई ब्लू किस्म की जो सेकंड लेयर की 3 बॉल्स हैं, इनके दरमियान फिर क्रेविसिस या वायर्स या इंटरस्टाइसिस आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं ए टाइप क्रेविसिस। राइट साइड भी पे भी आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये दरअसल सेकंड लेयर की 3 बाल्स के दरमियान खला है, मगर यहाँ से देखते हुए हमें नज़र क्या आ रहा है? फर्स्ट लेयर की किसी बाल का सेंटर। इसके साथ साथ हमें दूसरी टाइप के क्रेविसेस भी नज़र आ रहे हैं, एरो से शो किया गया है, और इसको हमने पहचान की खातिर बी टाइप इंटरस्टाइसिस का नाम दिया है। लेफ्ट साइड पे भी हैं, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ भी सेकंड लेयर की 3 बॉल्स के दरमियान ये इंटरस्टाइसिस हैं, मगर ए टाइप से मुख्तलिफ क्यों हैं? यहाँ से देखते हुए हमें आर पार चीज़ नज़र आ रही है। ये दरअसल बी टाइप जो क्रेविसेस हैं, ये सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर दोनों के मुश्तरक क्रेविसेस हैं, जबकि ए टाइप जो क्रेविसेस हैं वो जस्ट फर्स्ट के हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जब हम इनके ऊपर थर्ड लेयर बनाना चाहते हैं तो आने वाली बॉल या तो ए टाइप के ऊपर एडजस्ट होगी या बी टाइप के ऊपर एडजस्ट होगी। अगर बी टाइप के ऊपर थर्ड लेयर को हम एडजस्ट करें तो ए टाइप सारे रह जाएंगे, अनऑक्युपाइड रह जाएंगे, और ए टाइप को कवर करें तो बी टाइप जो हैं वो नेकेड रह जाएंगे। इनको हम 2 स्लाइड्स के अंदर समझेंगे और फिर हमारा टॉपिक फाइनल हो जाएगा। ये थर्ड लेयर आ रही है, इसको रिवर्स करके देखें। ये 3 बॉल्स जो आपको स्काई ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं उनके दरमियान बी टाइप जो क्रेविस है, जो ए टाइप लेयर और बी टाइप लेयर यानी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों का मुश्तरका एक इंटरस्टाइस है, एक स्पेस है, इनके दरमियान पे थर्ड लेयर आ रही है, थर्ड बाल आ रही है। तो ये बी टाइप क्रेविस छुप गया, और एक और आ रहा है बी टाइप छुप गया। और नीचे से आप देखेंगे, फिर मैं इसको रिवर्स करता हूं, अगर इसके नीचे कोई और ब्लू बाल होती
तो ये वाइट स्पेस आपको नजर आती है, इसने आके वाइट स्पेस को छुपा दिया, वाइट स्पेस को छुपा दिया, वाइट स्पेस को छुपा दिया, वाइट स्पेस को छुपा दिया। फिर रिवर्स करके देखें, बी टाई, बी टाई, बी, बी टाइप क्रेविसेस छुप गए, लेकिन जो ए टाइप क्रेविसेस थे उनमें से कोई भी नहीं छुपा। अब आपके लिए गौरतलब चीज क्या है कि सबसे जो पहली लेयर हमने बनाई थी जिसको ब्लैक कलर से जाहिर कर रहे हैं, और फिर उनके ऊपर डिप्रेस्ड पॉइंट्स पर सेकंड लेयर बनाई थी स्काई ब्लू बॉल्स के साथ, फिर इनके ऊपर थर्ड लेयर बनाई, ये आप 40-50 बॉल्स लेकर उनको एल्फी या गोंद के जरिए से जोड़ भी सकते हैं। तो थर्ड लेयर की और सेकंड लेयर की और फर्स्ट लेयर की कोई भी बाल आमने सामने नहीं है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की बाल्स की पोजीशन डिफरेंट से हैं, लिहाजा इनको हम एबीसी, एबीसी टाइप अरेंजमेंट का नाम देंगे, या 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 एंड सो ऑन इस अरेंजमेंट का नाम देंगे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट को ए, सेकंड लेयर को बी, थर्ड लेयर को सी कहा, यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर की बाल्स की पोजीशन डिफरेंट हैं। हाँ, इनके ऊपर अगर चौथी लेयर आई तो वो बिल्कुल फर्स्ट के सामने होगी, पांचवी सेकंड के सामने होगी, छठी थर्ड के सामने होगी और सातवीं फिर रिपीट होगी 1-2-3, यानी वो पहली और चौथी के सामने, आठवीं दूसरी और पांचवी के सामने, नवीं तीसरी और छठी के सामने एंड सो ऑन। इस टाइप की अगर मेटल्स के अंदर अरेंजमेंट पाई जाए तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर वजूद में आते हैं, और इसमें हर चौथी, सातवीं, दसवीं एंड सो ऑन लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, बल्कि आप इसको कह सकते हैं हर पहली, चौथी, सातवीं, दसवीं, तेरहवीं, सोलहवीं, उन्नीसवीं एंड सो ऑन, ये लेयर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होती हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको सिंपली जिसम को आप लोगों ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक का नाम दिया था, यहाँ मेटल के अंदर इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं, चीज़ वही है। और इसमें 8 कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड हैं ही मेटल एटम से या मेटल कैटाइन से, मगर जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर भी ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी अरेंजमेंट, अब यहाँ पे हम बी टाइप को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ए टाइप को कवर करेंगे। लास्ट में हमने बी टाइप को कवर किया था, ए टाइप बच गए थे, अब ए टाइप को कवर करते हैं तो बी टाइप बच जाएंगे। ये थर्ड लेयर, मैं इसको रिवर्स करता हूं, देखना ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सामने आएगी। अब यहां इस बॉल के सेंटर से अगर आप एक सुई गुजारें तो वो सेकंड लेयर की किसी बॉल को टच नहीं करेगी, मगर फर्स्ट लेयर की किसी बॉल के सेंटर से गुजरेगी, यानी फर्स्ट और थर्ड लेयर बिल्कुल आमने सामने है। ये, और फिर थर्ड बॉल मुशाहदा करें, यहां पे ये रिवर्स करके देखें, यहां पर और यहां पर ए टाइप क्रेविस छुप गया और बी टाइप बच गया। ये हो ही नहीं सकता कि आप ए टाइप को छुपा रहे हूं और बी भी छुप जाए, ये नहीं हो सकता, या बी को छुपा रहे हूं ए भी छुप जाए, ये भी नहीं हो सकता। एक और बॉल, ए टाइप छुप गया, इसी तरीके से, इस तरीके से ए बी, ए बी, ए बी, या 1-2, 1-2, 1-2 टाइप अरेंजमेंट होती है। 1 को ए, 2 को बी कहा गया है।
पहली लेयर और दूसरी लेयर्स की जो बॉल्स हैं या जो एटम्स हैं या जो कैटाइन्स हैं ये आमने सामने नहीं है, मगर थर्ड लेयर का हर एटम फर्स्ट लेयर के किसी एटम के बिल्कुल आमने सामने होगा और फोर्थ लेयर का सेकंड लेयर के आमने सामने और फिफ्थ लेयर का फर्स्ट एंड थर्ड के सामने एंड सो ऑन। इस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वजूद में आती है। इस तरीके से हर पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवां, ग्यारहवां, तेरहवां, पंद्रहवां, सत्रहवां, उन्नीसवां, इक्कीसवां एंड सो ऑन बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यह हेक्सागोनल है, सेंटर में तीन बॉल्स और बिल्कुल टॉप और बॉटम पे भी सेंटर के अंदर एक एक बॉल आप लोगों ने शो कर देनी है और इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।